नमस्कार, आपण देखुछन्ति भारत 360। स्वामी चिन्मयानंद संप्रुक्त दुष्कर्म मामलें नुआ मोड़। दुष्कर्म अभियोग आनिथिबा आईन छात्री को अर्थ आदाय अभियोग रे गिरफ करा जायछि। एहा परे तांकु 14 दिन पई हाजत को पठाई दिया जायछि। दुष्कर्म अभियोग रो तदंत पई गठित स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी बुधवार दुष्कर्म अभियोग आनिथिबा आईन छात्री को बलपूर्वक 5 कोटी टंका दाबी करिबा सह चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करिबा अभियोग रे तांको बासभवन रु गिरफ करथिला। स्वामी चिन्मयानंद संप्रुक्त दुष्कर्म मामलें आसी नुआ मोड़। चिन्मयानंद विरोध में दुष्कर्म अभियोग आनिथिबा आईन छात्री को बलपूर्वक अर्थ आदाय अभियोग गिरफ कर 14 दिन जेल पठाई दी जाए। बुधवार अपराह में एसआईटी आईन छात्री को गिरफ कर। पूर्वतन केन्द्रमंत्री स्वामी चिन्मयानंद विरोध में आगत दुष्कर्म अभियोग तदंत गठित स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी बुधवार दुष्कर्म अभियोग आनिथिबा आईन छात्री को बलपूर्वक 5 कोटी टंका दाबी करने सह चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने अभियोग बासभवन गिरफ कर। गिरफ आईन छात्री डाक्तरी परीक्षा करे एसआईटी लखनऊ मुख्य विचार विभाग मजिस्ट्रेट एक कोर्टे हाजर करोर्ट गिरफ आईन छात्री को 14 दिन विचार विभाग हाजत को पठाई देवाई एसआईटी को निर्देश देते। ये क्लियरली साबित है कि उनको एक्सटॉर्शन कॉल की गई। एक्सटॉर्शन कॉल के बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई। पुलिस में रिपोर्ट कराने के आसपास ही लड़की का अपने दोस्तों के साथ उससे पहले हटना, रिपोर्ट के आधार पर जो जिला पुलिस ने कार्रवाई की, उन्होंने फेक आईडी के आधार पर कुछ लोकल लोगों से पूछताछ की, जिनके नाम से लिए गए उन लोगों को उन्होंने पकड़ा पूछताछ के बाद। इस अन्य पक्ष आईन छात्री को आज सका गिरफ्त कला बेले एसआईटी अधिकारी माने तांको मारपीट करने सह चप्पल पिंधा को मध्य सुजोग दे नथिबा तांको परिवार वर्गों पक्षर अभियोग करा जाय छे। अभी हमें 2-3 चीजें बरामद करनी शेष हैं। जैसे लड़की ने हमें ये कहा था कि जो जिस चश्मे से उसने रिकॉर्डिंग की है वो फ्लिपकार्ट से मंगाया गया था। फ्लिपकार्ट से हम लोगों ने डिटेल्स ले लिए हैं। 29 मार्च के आसपास ये चश्मा उनको डिलीवर हुआ है, उनकी आईडी से ही मंगाया गया है, लेकिन वो चश्मा अभी बरामद नहीं हुआ है। ये सारी कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे से सूत्र बाई सूत्र जुड़ते जाते हैं और स्पष्ट होता है कि इस तरह से रंगदारी मांगने के लिए इन सब लोगों की आपस में मिलीभगत थी, कनाइवेंस थी। आईन छात्री समेत अन्य 3 जन चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर 5 कोटी टंका आदाय करने लगे उद्यम करुले। यार एक वीडियो सामना को आसवा पर पुलिस छात्री समेत अन्य 3 जन विरोध में मामला रुजु कर। मामलें गिरफ होता सचिन ओरफ सोनू एवं विक्रम सिंह को मंगलवार पुलिस रिमांड में नहीं पचराउचरा कर। पचराउचरा समय जड़े अभियुक्त सहित आईन छात्री जोजोग रही जमापड़ा। संप्रक्त अभियुक्त एवं आईन छात्री मध्य चलित वर्ष 4200 थर फोन में वार्तालाप होता पुलिस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड रु जानिबा को पाइछे। यहाँ परे पुलिस आईन छात्री को गिरफ्त करिछे। एणे स्वामी चिन्मयानंद आउ बीजेपी सदस्य नाहंती बोले सफे देछि बीजेपी। दलर मुखपात्र हरिश्चंद्र श्रीवास्तव एही सूचना देछन्दे। तबे चिन्मयानंद केबेठु बीजेपी छाडिले ता स्पष्ट करिनाही दल। चिन्मयानंद 1999 रे त्रयोदश लोकसभा रे उत्तर प्रदेश जौनपुर आसनरो निर्वाचित होइतिले। आउ सेतबेलेर अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वाधीन सरकार रे केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री थिले। जौन शोषण अभियोग आसिबा परे कोनोसी बीजेपी नेता चिन्मयानंदक सपक्ष रे आसी नथिले। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। अमेरिका रे बिजनेस लीडर्स फोरम को संबोधित करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहि अवसर पीएम भारत रे होइथिबा विकास ओ आर्थिक सुधार प्रसंग रे कहिसेंति मोदी। भारत रो विकास क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिबा 4टी विषय डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड ओ डिसीजन मेकिंग संपर्क रे कहिसेंति। ब्लूमबर्ग बिजनेस समिट रे पीएम 50टी देशर राष्ट्रमुख्य एवं 200 कंपनीर सीईओ को संबोधित करि आहुरी कहिथिले तांको सरकार गठन हेबा परे 50 रु अधिक पुरुणा आईन को रद्द कर दिया जायछि। सेपरि मोदी भारत रे निवेश नै आह्वान करबा सह भारत रो मध्यम वर्ग उच्च आकांक्षी एवं सेमानक दृष्टिकोण बहुत बड़ बोली कहिछन्ति। सेतिपई जदि आपण नुवा ट्रेंड सह निवेश करबा को चाहुछन्ति तेबे भारत आसंतु बोली मोदी कहिछन्ति। कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है। ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं।
इस दौरान निवेश बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई फैसलों का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। हमने नई सरकार बनने के बाद अभी 50 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भारत पुणी पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को निज देश आतंकवादी को हटाइबा को परामर्श देछि। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସହ କଥା ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେରୋରିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଜୟଶଙ୍କର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି ଚିଦମ୍ବରମ୍ ଏବଂ ଡି ଶିବ କୁମାର ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ବି ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପାୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 75 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି। ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ସିପି ନେତା, ଏଣେ ଏଥିରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶରଦ ପାୱାର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସ 27ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାୱାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଥିବା ଏ ମାମଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏମ୍ଡି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଜି ଏନ୍ସିପି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। मुझे कहने में कोई चिंता नहीं, आज तक मैं किसी कोऑपरेटिव या अन्य बैंकों के संचालक या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है इनका कभी सदस्य जीवन में नहीं रहा। ये जो बैंक के बारे में कुछ जांच शुरू हुई है, जांच करने वाली एजेंसी उनका अधिकार है और इन्हें जो सहयोग देने की आवश्यकता है, मैं खुद संविधान पर पूरा भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ और इसलिए इस जांच करने वाली एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग देने की भूमिका मेरी रहेगी। अगले एक महीना महाराष्ट्र का चुनाव है, इसलिए महाराष्ट्र के जितना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे समय मिलेगा, इतने ज़्यादा दिन मैं बम्बई के बाहर रहने वाला हूँ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ତାତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା ଏନ୍ଆର୍ସି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାର କରାଯିବ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ସେପଟେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେଜରିୱାଲ? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲ ବିଦେଶୀ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ତିୱାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। बड़ा परिचय मिला है अरविंद केजरीवाल का। उनकी मूल भावना जो दिल्ली में दूसरे प्रांतों से लोग आए हैं, वो चाहे यूपी से हों, बिहार से हों, बंगाल से हों, उड़ीसा से हों, हरियाणा से हों, पंजाब से हों,
मध्य प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, उनको अरविंद केजरीवाल बाहर भेजना चाहते हैं। इसीलिए कहा ना कि NRC लागू होगी तो मनोज तिवारी को सबसे पहले जाना होगा, मतलब कि मैं प्रवासी हूँ, मैं दूसरे प्रांत से यहाँ आके रह रहा हूँ। तागिद परे एक्शन मोड रे पुलिस, हॉस्पिटल रे दलाल को विरोध रे कार्यानुष्ठान, कैपिटल हॉस्पिटल रु धरा पड़िले 4 दलाल, आउ एमानक भितरे 3 मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव थिबा जणा पड़िछि। हॉस्पिटल रे दलाल को विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहिछंती पुलिस कमिश्नर। आज मो सरकार कार्यक्रम में CDM को सह आलोचना बेले हॉस्पिटल को दलाल मुक्त करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री, दलाल मुक्त हॉस्पिटल सुनिश्चित करने को कही मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को तागिद परे एबे एक्शन मोड रे पुलिस, हॉस्पिटल रे दलाल को विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाय छी, आउ कैपिटल हॉस्पिटल रु धरा पड़ी छंती 4 दलाल, सेमानक भितरे 3 मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव थिबो अछंती एवं एमानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबो बोली पुलिस कमिश्नर कहिछंती। आज मो सरकार कार्यक्रम में CDM को सहित आलोचना बेले हॉस्पिटल को दलाल मुक्त करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री, एवं ताकु आधार करी कैपिटल हॉस्पिटल रु धरा पड़ी छंती 4 दलाल। विजेपुर उपनिर्वाचन पर प्रार्थी घोषणा करिछि कांग्रेस, दिलीप पंडा को नारे मोहर मारिछि AICC। बरगढ़ जिला कांग्रेस उपसभापति अछंती दिलीप, PCC पक्षरु 5 जणिया तालिका AICC को पठा जायथिला, आ समस्तंकु पछरे पकाई कांग्रेस टिकेट हासिल करिछंती दिलीप। AICC पक्षरु प्रेस इस्ताहारे घोषणा करा जायछि, प्रथम दल भाबे कांग्रेस आज विजेपुर पर प्रार्थी घोषणा करिछि। विजेपुर उपनिर्वाचन पर समस्त प्रस्तुति करुवा बेले आज आगुआ रही कांग्रेस, एवं प्रथम दल भाव कांग्रेस आज विजेपुर प्रार्थी घोषणा कर दिलीप पंडा ना मुहर मारी AICC। तेज जदि दिलीप कथा कह, बरगढ़ जिलार कांग्रेस उपसभापति बर्तमान अच्छा दिलीप, 5 जणिया तालिका मध्य AICC दिलीप को मुहर मारी, समस्त पछरे पकाई कांग्रेस टिकेट हासिल कर दिलीप। जातिर पिता महात्मा गांधी 150वीं जयंती अवसर में स्वच्छता पाई प्रधानमंत्री को मोदी सम्मान दिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रे एपरी एक संजोग है जहाँ को नहीं समग्र विश्व महात्मा गांधी एवं परिवर्तित भारत को चिन्हित। अमेरिका गस्तर थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित विश्व महात्मा गांधी स्मृतिचारण कर महात्मा गांधी चिंताधारा को PM मोदी बांटी जातिसंघर महासभा हे अबा बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अवार्ड समारोह महात्मा गांधी सार्वभौमिकता और तांका चिंताधारा संगम देखा मिली। PM मोदी बापू को मन पक कि समय भावुक हो जाते जातिसंघरे सोलार पैनल रो उद्घाटन परे PM मोदी समकालीन विश्व रे महात्मा गांधी को प्रासंगिकता शीर्षक कार्यक्रम रे शामिल होतिले। एही अवसर